एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाय। सो आज हम दोनों जा रहे हैं अंकल अंडे वाले के पास, विकासपुरी। अंकल अंडे वाले विकासपुरी, ई रिक्शा वाले जिन्होंने अब दुकान ले ली शायद। हाँ, वो उनकी लोकेशन चेंज होती रहती, काफी बार उन्होंने लोकेशन अपनी चेंज कर दी है। तो अभी हम वापस से ये नहीं है यार वो नहीं है। ओके, सो अभी हम जा रहे हैं अंकल अंडे वाले के पास। हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ना, मतलब 3 साल से वो ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग पे है, मतलब रेगुलर है ना। क्या बोला? हाँ हाँ, एक मिनट यार, रुक जाओ यार। तो वो रेगुलर ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, तो उनके अंडे में ना एक अलग ही वो है, बात है। मतलब लोग काफी तारीफ भी करते हैं तो कुछ लोग काफी बुराई भी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में उनका जो है जायका वो कैसा है, टेस्टी है या नहीं है। बट अभी हमें एड्रेस नहीं मिल रहा है, सो देखते हैं। भैया ये देख, ये दिखा रहा है, ये विकासपुरी में मतलब इसकी दुकान है फिर। हाँ। ये रोड वाला है? रोड वाला नहीं है। अबे यार कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बोल। हाँ, चल मैं कुछ नहीं खा रहा। क्या मन ही नहीं है? ठीक है, बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करने को मिलेगा, मैं खाऊंगा ही नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। मैं खाऊंगा ही कैमरे नहीं पे, ऑन रिकॉर्ड है ये। मैं नहीं खा रहा। हाँ साले, मैं नहीं खा रहा। बहुत देखे तुम्हारे, मैं नहीं खा रहा। किसी में दम है तो खिला के दिखा दो। अब बहुत नहीं खा रहा, बहुत नहीं खा रहा। ओके गाइस, हम पहुंच गए के साथ आने के। मैं तक दिमाग खराब कर रहा है। अबे यार आज ऐसे ही आज, बालों की आज, आज लास्ट टाइम दिख रहे हैं आपको, अगली बार अकेले होंगे। अरे यार ये दुकान बंद पड़ी हुई है, ये दुकान बंद है। अबे सुन, तो वो वाली शॉप बंद है, इस बेवकूफ का कह रहा है कि G20 में व्यस्त होंगे अंकल, वो अंडे खिला रहे होंगे। ये अलग ही बोलता है। ठीक है, हो सकता है अंकल अवेलेबल ना हो, तो जब भी हमें जाना हो ना ऐसे ही होता है, दिमाग खराब। कुछ ना कुछ होता ही होता है यार, हमेशा पहले बोलने लग जाते कि ये बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चुप रहे यार। तो बता रही हूँ, अमृतसरी कुलचे वाला भाई इसके पास चल ले, मैं नहीं जा रही यार। इसके चीज वाले इतने बढ़िया है यार, मेरे को नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं खाना कुलचा, इतना हैवी नहीं कर सकते। तो अभी अंकल अंडे वाले का खत्म नहीं हुआ है किस्सा, एक और जगह लगाते हैं वो। बट अरे वहाँ वो पे काट है, वो बोलते हैं कि अच्छा नहीं बनाते। पर देखो कैसे बात, अंकल अंकल अंडे वाले ने खुद बोला कि वो प्रोफेशनल नहीं है। तो यार पागल है तू, फिर खोल के क्यों रखेंगे अगर ऐसा है तो? अब पता नहीं भाई, तो चल लेना, कोई बात ही क्या, अगर बढ़िया नहीं हुआ तो? तो कोई बात नहीं, पैसे मुंह पे फेंक के मारूंगा उसके। इतनी तो बेटा तुम्हें दम नहीं है। जो अभी हम वही जा रहे हैं, खाना कोई कैसा भी बनाए अपन खा लेते हैं, अपने को दिए। तो ये है अंकल अंडे वाला जो पीवीआर के एकदम सामने है, ये रहा इनका मेन्यू। पॉज करके आप मेन्यू देख लेना, प्राइजेस वगैरह देख लेना, और ये आपको एकदम पीवीआर के सामने दिख जाएंगे। इसलिए आई थी अंकल होंगे। बहुत ज्यादा चेंज हो रही है उनकी लोकेशन अंकल की, यहाँ वहाँ। तो अभी सबसे पहले ना बटर डाल के इन्होंने ना मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं ये उसके लिए। भाई मतलब वही है ना जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी उनकी, है ना, वही है। तो वहाँ नहीं लगाते थे क्या, बोलते हैं यार जो DDA मार्केट के बाहर? हाँ, कड़ी कबाब के पास है वो जो पार्क के साथ में, वहीं से तो हुई है स्टार्टिंग हर जगह से। तो मसाला बनाने के बाद ना एकदम ऑमलेट को मतलब स्क्रैम्बल कर लिया है एग्स को, अब उसको भी उन्होंने हांडी में ऐड कर दिया है। तो बटर इतना सारा गल गया, बटर पे बटर। अब ये हाफ फ्राई, दो हाफ फ्राई भी डालेंगे, ऐड करेंगे इसमें। ये वापस से एक बार और, तीसरी बार बटर डल गया इनका इसमें। कबाब को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत सारा बटर हो गया है ऑलरेडी। बटर ही बटर, बटर ही। अब उस हांडी में उन्होंने सब कुछ, मसाला, ऑमलेट, एग, सब कुछ डाल दिया था। अब इसमें उन्होंने चीज़ डाल दी है, चीज़ को ये कर रहे हैं अब मेल्ट अच्छे से। ऐसा प्रोसेस मेल्टिंग का मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। अब इस
ये बटर डाल दिया मैंने वापस और इतना भर के डाल रहा है यार, आज तो ऐसी तैसी हो जाएगी बटर के साथ। ये रेडी हो चुका है हमारा हांडी ऑमलेट एंड ब्रेड्स और ये तीन डिप्स। तो भाई ये खा रहे हैं अब हांडी ऑमलेट, हांडी ऑमलेट के साथ इन्होंने चीज उठाई है अभी, और ये ब्रेड उठाते हुए बाल अपने ठीक करते हुए थोड़ा ढंग से ऊपर। कैसा है? बढ़िया तो गाइस बढ़िया है ये। ऐसे पकड़ते हैं ऐसे व्लॉगर, हाँ अब अच्छा लग रहा है इसे। अब पर तो हर्ष जी ट्राई करने वाले हैं अंकल इंडिया वाले का स्पेशल एग। मेरी वीडियो का तो पहले टेस्ट में ना पता लग जाता है इंसान को कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। आप बताओ अभी धीरे धीरे पता लगेगा ना मुझे। नीचे मसा ब्रेड चार दे दो। क्या हो गया ब्रेड चाहिए? अभी तो कहता समझ नहीं आ रहा, अभी तो ये कहता अंडा नहीं खाऊंगा नहीं मैं। फिर क्या? मुझे अच्छा लगा, ठीक है भाई। खिचड़ी कर दिया तुमने यहाँ पे? खिचड़ी नहीं करी भाई, ये हरी, ये पता नहीं कौन सी है, मेयोनीज़ शायद से, चिली, चिली ज़्यादा पसंद है ना, और क्योंकि लाल है पूरा ठेला, लाल है। ओके गाइस सो वी आर डन ईटिंग, और मैं एक ऑनेस्ट बिल्कुल बढ़िया रिव्यू देना चाहती हूँ इस चीज पे, हर्षु भी देगा मेरे साथ। तो हर्षु जी आप स्टार्ट करिए, बोला स्टार्टिंग से स्टार्ट करें या मैं बोलूँ? मैं बोलती हूँ। तो मतलब प्रिपरेशन तो देखो ठीक, मेरे हिसाब से प्रिपेयर वो ठीक से कर रहा था, बट द मेन प्रॉब्लम तेरे को लगी बटर है ना। बटर बहुत एक्सेस में था यार, बहुत एक्सेस में, वो हर बात में बटर था, बात में बटर यार। थोड़ा सा बटर ना ऑलरेडी तवे पे लगा हुआ होता है, उसमें ब्रेड सिक सकती है आराम से, हम भी तो सेकते हैं। पर उसका तवा वो था, बड़ी बात हो जाती है कि क्या बोलते हैं उसने क्या कर रखा था। एक तो बना दिया उसने अच्छा, चलो अच्छा बना दिया उसने, ठीक है, पर वही है कि समझ में नहीं आया। पहले खाने खाने में ठीक लग रहा था, बटर की बात कर अभी, पहले ठीक लग रहा था, पहले ना शुरुआत में ठीक लग रहा था, पर वो धीरे 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 जैसे खत्म होता गया ना मन मरता गया। हाँ, क्योंकि ना मन मर गया, और अब ना खाने के बाद अब थोड़ा सा ना मेरे को अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, शायद तो या तो हमने ज्यादा खा लिया। ज्यादा क्या खाया यार, एक ही तो वो ली थी हमने प्लेट, लो एक तो पता है कि सारी चीजें ना मिक्स होती चली गई। हाँ, तो ये चीज थोड़ी गड़बड़ा जाती है उसकी, सारी चीजें ऐसी है कि मिक्स हो जाए आपस में। मैंने ये चीज नोटिस करी, ये भी नहीं कि आप हाफ फ्राई ले लो, हाफ फ्राई में वो मसाला मसाला डाल देता है, वो अलग चीज है। मेरे को भी मतलब देखो स्टार्टिंग में टेस्ट मुझे अच्छा लगा, टेस्टी लगा। मेरे को थोड़ा अंकल के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उनकी शॉप इतनी सारी क्लोज होती जा रही होती जा रही, शॉप एक और भी उनकी क्लोज होगी, तो वो वहीं आ गए जहाँ से उन्होंने एक तरह से स्टार्टिंग करी थी, है ना। और अंकल अवेलेबल नहीं थे, वो कम आते हैं, वो भैया ने बताया, हो सकता है इस वजह से कम आ रहे क्योंकि भैया उनका काम इतना वो है, चलो वो अलग बात है। बट मतलब खाना ठीक था, खाना पर प्राइसेस भी थोड़े हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। मतलब हमने खाया 380 रुपए का, 380 रुपए में इतने वो महंगी यार, बहुत महंगा है। उसमें सिर्फ हाफ फ्राई यही से भी तो डाल दो तुम, बस तुम्हारा नाम है थोड़ा, तुम महंगा कर दोगे। बट मेरे को देखो टेस्ट ठीक लगा, स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, बट आपको इतना भी टेस्टी नहीं लगने वाला। पर ठीक है आप जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि एक अलग टेस्ट है, टेस्ट बड़ा अलग है। बट आप खाते खाते आप लोगों को थोड़ी ना मन भर जाएगा, मन भरने लगेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, वो अलग बात। बस यही था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू एक तरह से, कि मतलब आप लोग ट्राई करो, आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा, जो मेन थिंग है वो अलग टेस्ट की, बट बाकी ठीक है, ओके ओके। बट अगर आप डाइट कॉन्शियस हो तो मत जाना भाई, क्योंकि बटर वो बहुत ज्यादा डालता है भाई, हद होगी, तो छोड़ो उसकी तो अलग बात है। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बोलो आप कुछ, क्या तो मन ही अजीब सा हो गया, मेरा भी मन अजीब सा हो गया सच्ची बता रही। मैं वैसे कुछ सोच रहा था कि यार कुछ पीने के लिए ले लूं, पर पीने का भी मन नहीं कर रहा, अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हमारे 1K सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, करवा दो यार। हाँ, तो 1K सब्सक्राइबर में एक बहुत आपको सरप्राइज मिलने वाला है। अभी 1K सब्सक्राइबर देखो, आप जितनी जल्दी से जल्दी कराओगे उतनी जल्दी आपको एक सरप्राइज मिलेगा ऑब्वियसली। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही जल्दी आएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।